आप कोई लॉन्च करते हो एक, ठीक है, तो दिखाता हूँ AMI क्या होता है, कैसे आप क्रिएट करते हो। की पेयर सेवंस है, अभी हमारे पास कोई इंस्टेंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई क्या हमें ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। जब आप लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हो तो यहाँ पे आपको AMI दिखाता है, अमेजॉन मशीन इमेज। अमेजॉन मशीन इमेज क्या होती है, इज नथिंग बट योर एक कंप्लीट OS वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है AMI, ठीक है। सो AMI क्या होता है, यहाँ पे भी ये सब क्या एक मशीन है, मतलब OS इंडायरेक्टली, एक मशीन के साथ में OS भी है कि कौन सा OS आपको डालना है, अमेजॉन लिनक्स डालना है, यहाँ से अगर आप Ubuntu करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर करना है, तो दीज आर प्री डिफाइंड, ये वो हैं जो अमेजॉन हमें देता है, ठीक है। इसमें हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज मीन्स क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। हेलो, हाँ हाँ सर। तो ये क्या चीज, जैसे कि अभी आपको कोई मार्केट में आप सामान लेने के लिए गए तो पैकिंग करके मिल रहा है, बट उसमें से आपको चाहिए कुछ कस्टमाइज करके मुझे दे दें, तो वो चीज यहाँ पे आप बना सकते हो। अभी तक तो ये आपने इनबिल्ट यूज किया है, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद का AMI कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ AMI, जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो, ये देखा ना, इमेजेस, बैक करता हूँ, ये इमेजेस दिख रही है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, दैट इज कॉल्ड EBC, ठीक है, शॉर्टकट में। और ये चीज ध्यान रखना कि जैसे बहुत सी चीजों का शॉर्टकट नहीं है, जैसे EBC है, अभी जैसे AMI है, ठीक है, EC2 है, S3 है, इनका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो कि क्या होता है उसका मीनिंग। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है कि आप अपना एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब क्रिएट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीन्स जैसे कि आप एक स्पेस अपना क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, तो सबसे पहले वॉल्यूम क्रिएट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या इधर जो यहाँ टॉप पे ऑप्शन था। अब वॉल्यूम टाइप कैसा है, जनरल पर्पज आप ले रहे हो, या प्रोविजनल ले रहे हो, या कोल्ड SD ले रहे हो, या मैग्नेटिक स्टैंडर्ड ले रहे हो, दीज आर द वॉल्यूम टाइप, ठीक है, कि वॉल्यूम टाइप आप कैसा ले रहे हो। हर एक वॉल्यूम टाइप का अपना अपना डिफरेंट यूजेस है। अब मैंने मैग्नेटिक स्टैंडर्ड लिया है, बाय डिफॉल्ट हमें कितना दे रहा है, 100 GB, ठीक है, तो बट मिनिमम 1 GB टू मैक्स 1024 GB तक आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे बहुत मिनिमम डाल रहा हूँ 1 GB, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज फ्री वाला, ठीक है। हमने ये डाल दिया यहाँ पे कितना साइज होगा, जो हम अपना AMI बना रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है आप कंपनी में जब वर्क करो तो यहाँ पे आपका 100 GB रिक्वायर्ड हो, 200 GB रिक्वायर्ड हो, डिपेंड कि उस टाइम पे सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है, कि यू कैन एंटर हियर, ओके। तो ये कर दिया आपने थ्रूपुट MBS, अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है, अभी तक जोन तो पता चल गया होगा कैसे, जैसे कि देखो ना ये सब जोन्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको जोन्स दिखता है, तो 3 जोन्स हैं, साउथ A1, AB, AC, ठीक है, फर्स्ट AC, तो ठीक है कोई भी जोन ले लो, बाय डिफॉल्ट हमने अभी ले लिया। स्नैपशॉट ID, बिकॉज हमने स्नैपशॉट अभी तक नहीं लिया है, ठीक है, स्नैपशॉट हम आज बनाएंगे अभी, ठीक है, ऑलरेडी बहुत बने हैं, ऑलरेडी ये सब जोन्स में देखो ना, ये सब उसी की लिस्टिंग है जो बने हुए हैं, बट हम इसमें से कोई नहीं लेंगे, बिकॉज हमने अभी तक अपना खुद का नहीं बनाया है, ओके। इंक्रिप्शन से इसकी आपका जो AVS में वॉल्यूम बनेगा वो इंक्रिप्टेड होगा, बट अगर आप ये सिलेक्ट करते हो या नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट जो भी प्रोसेस होता है वो सब इसमें इंक्रिप्टेड ही होता है वॉल्यूम में, ठीक है। की एंड वैल्यू वहां पे यूज करते हो कि सपोज दैट यू हैव लॉट ऑफ स्नैपशॉट, मींस आपने कैसे वॉल्यूम के इमेजेस बहुत बना के रखे हैं, तो वहां पे की एंड वैल्यू आप डाल सकते हो, जिससे कि आपका सर्चिंग फास्ट हो जाएगा, ठीक है, एड टैग करके आप इंटर कर सकते हो, बट मुझे नहीं करना, मैंने क्रिएट वॉल्यूम कर दिया। तो दिस इज योर वॉल्यूम ID, जो भी ये क्रिएट हुआ इसका वॉल्यूम ID ये है, एंड क्लोज हियर। हम जब हम वॉल्यूम पे जाएंगे तो हमें ये वॉल्यूम ID दिख जाएगा कि क्रिएटेड हमने कितना 1 GB लिया हुआ था, वो साइज यहाँ पे दे दिया, वॉल्यूम का टाइप कैसा था, स्टैंडर्ड लिया था हमने वो दे दिया इसने,
आपने कभी क्रिएटेड किया था और किस जोन में किया था, स्टेटस क्या है उसका, स्टेट में अवेलेबल्स है, अलार्म हमने अभी कुछ सेट नहीं किया है, नन है, ठीक है, वॉल्यूम स्टेटस क्या, ओके, एवरीथिंग इज इंक्रिप्टेड में हमने क्या दिया था, टिक नहीं किया था, नॉन इंक्रिप्टेड दिखा रहा है, बट एवरीथिंग ये सब जो होगा वो सब इंक्रिप्टेड होगा उसका. तो यहां से हमने क्या क्रिएट किया, एक वॉल्यूम मींस अपना एक स्पेस क्रिएट कर लिया. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक AMI क्रिएट करेंगे, स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे. स्नैपशॉट क्या होता है मालूम है ना आपको, कि सपोज है जैसे कि आप लोग किसी OS में वर्क करते हो और उसका एक इमेज बनाना. इमेज हम क्यों बनाते हैं, कि उस टाइम पे जितना वर्क किया वो सब सेव हो जाए हमारा, ठीक है. वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद देखो उसी के नीचे और ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, एक है AMI, एक है स्नैपशॉट. अगर मैं अभी स्नैपशॉट में जाता हूँ, यहाँ पे देखो हमने अभी कोई भी स्नैपशॉट क्रिएट नहीं किया है, दैट इज टोटली ब्लैंक, जैसा वॉल्यूम था हमारे पास, ठीक है. AMI में भी आप जाके देखोगे, बिकॉज ये थ्री ऑप्शन आज हम लोग यूज करने वाले हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बोथ टू आर ब्लैंक. हमने वॉल्यूम पे जब हम गए थे तो वॉल्यूम भी हमारे पास ब्लैंक था, बट हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया. अब हमें क्या करना है कि स्नैपशॉट क्रिएट करना है, तो हम वॉल्यूम से ही स्नैपशॉट भी क्रिएट कर सकते हैं और स्नैपशॉट में भी जाके क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम जाएंगे एक्शंस में, राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है. अब स्नैपशॉट का लाइफ साइकिल पॉलिसी भी डाल सकते हो, जैसे कि हमने वहां पे डाला था, S3 में डाला था, ठीक है. अब मैं यहाँ से स्नैपशॉट पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वॉल्यूम आईडी, जो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम के अंदर ये गया है ना उसकी ये आईडी है. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, दिस इज ऑप्शनल पार्ट, लिखना लिखो नॉट इनक्रिप्टेड, और यहाँ पे बस देखो सिर्फ एक बटन है क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है. कॉपी यहाँ पे लिखो, नॉट नेसेसरी लिखोगे तो ठीक है, ओके. अब क्रिएटेड स्नैपशॉट रिक्वायर्ड सक्सीड, अब ये आपका स्नैप के नाम से एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, ठीक है. ये क्लोज किया. अब देखो ये वॉल्यूम आईडी हमारी है, वॉल्यूम आईडी तो हमने क्रिएट किया था, बट हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया तो वो हमें कहाँ दिखेगा, स्नैपशॉट ऑप्शंस के अंदर दिखेगा. यहाँ पर आप जाते हो, ये देखो स्नैपशॉट की आईडी जो थी वो क्रिएटेड है, 1 GB है. डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉपी वर्ड लिख दिया था, तो कॉपी ये यहाँ पे दे रहा है, ठीक है. स्टेटस कैसा, कंप्लीटेड है. सपोज इट आपने ये साइज बड़ा लिया होता तो स्टेटस अवेलेबल करके दिखाता या रनिंग करके दिखाता, ये कंप्लीटेड आफ्टर सम टाइम के बाद होता. और यहाँ पे बिकॉज हमारा बहुत ही स्मॉल था तो ये प्रोग्रेस हमारा 100% यहाँ पे जो दिखा रहा है, इट मींस कंप्लीटेड है, आइदर 100% आइदर ये कंप्लीटेड. ओके, स्टार्टेड कब है, जनवरी में. प्रोग्रेस क्या अवेलेबल है, 100% नॉन इनक्रिप्टेड, ठीक है. अब ये स्नैपशॉट आपने बना लिया, इंडायरेक्टली क्या बना लिया आपने, एक अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, ये पार्ट यहाँ तक समझ में आया कोई डाउट, कि पहले वॉल्यूम में जाके हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया, ठीक है, कुछ नहीं था, क्रिएट वॉल्यूम, वॉल्यूम का नेम दिया, क्या साइज चाहिए, किस जोन में चाहिए, बोलिए. सर ये जो हम लोग ने साइज सेट किया है वो हमारे एक्चुअल फिजिकल मशीन की है या सिर्फ वर्चुअल मशीन, मतलब AWS देगा ना ये साइज, ये AWS साइज देगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखो जो वर्चुअल मशीन है वही आपकी फिजिकल मशीन है, बट वो कहीं पे रहती, एग्जिस्ट करती, आप उसको देख नहीं पाते, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट वर्चुअल मशीन. बट वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो है तो फिजिकल ही है बट हमारे लिए कैसा वर्चुअल है, ठीक है. हाँ दोनों वर्ड अलग अलग नहीं है, वर्ड एक है बट कहने के टाइम पे अलग हो जाता है. जैसे कि आप अभी यहाँ पे बैठे हो इंस्टीट्यूट में तो ये आपके लिए फिजिकल है, आप बैठ के यहाँ से सोचो कि मुझे घर जाना है, घर में जाके मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो वो जो थिंकिंग है आपकी दैट इज वर्चुअल, बट आप घर पे जाओगे तो वो भी एक फिजिकल ही हो जाएगा, ठीक है. हाँ तो ये मशीन आपके लिए वर्चुअल है बट कहीं ना कहीं ये भी एग्जिस्ट करती है, तो वो फिजिकल है वो भी वहां पे, ठीक है. बट कहने के लिए आप इसको कह सकते हो दिस इज अ वर्चुअल मशीन. ओके, कोई डाउट दोनों वर्ड में, फिजिकल क्या था अभी वर्चुअल क्या है, आपके लिए वर्चुअल है बट कहीं ना कहीं ये फिजिकल एग्जिस्ट भी है. ओके, हाँ तो वॉल्यूम क्रिएट किया, स्नैपशॉट क्रिएट किया, ठीक है. अब हम जाते हैं AMI में. AMI हमारा कैसा है, टोटली ब्लैंक है, ठीक है. अभी हमने AMI क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ
स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हम यहां पे जाएंगे स्नैपशॉट में। बाय डिफॉल्ट बिकॉज आपके पास एक ही स्नैपशॉट है तो ये सिलेक्टेड है, ठीक है, नहीं तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, गो टू एक्शन। एक्शन में देखो यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट इमेज। तो देखो स्टेप हमने फॉलो क्या किया, वॉल्यूम में वॉल्यूम क्रिएट किया, वॉल्यूम से स्नैपशॉट क्रिएट किया, स्नैपशॉट में आके हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट इमेज। नाउ इमेज का नेम आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो SSIMAG, एस का मतलब श्रुति, एस का मतलब स्नेहा भी हो गया, ठीक है। तो SS इमेज हो गया। डिस्क्रिप्शन इट्स अप टू यू, क्या देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे दे दिया SS इमेज। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इज अ इम्पॉर्टेंट, 32-bit, 64-bit, ये चीजें मालूम है या? हाँ, अगर देखो नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, से सर नहीं पता है, पता है तो सो से कि सर पता है, क्योंकि नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन, मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि, ठीक है। चलो अभी बता भी देता हूँ, पता है तो वेल एंड गुड, नॉलेज अपडेट हो जाएगी आपकी। तो आर्किटेक्चर आपने कैसा सिलेक्ट किया, हमने x86 सिलेक्ट किया, बिकॉज नाउअडेज जो भी सर्वर्स होते हैं वो सब 64-bit के होते हैं, ठीक है। तो ये बता दूंगा अभी क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन टाइप, वर्चुअलाइजेशन टाइप का आपका पैरा वर्चुअल रखना या हार्डवेयर असिस्टेंट रखना, तो इट्स अप टू यू कि कैसा रखना, हार्डवेयर असिस्टेंट वर्चुअलाइजेशन। रूट डिवाइस पैरा वर्चुअल और हार्डवेयर मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि वो वर्चुअल ही है और इसमें हार्डवेयर भी एज अ वर्चुअल ही दिखेगा। रूट डिवाइस नेम, अभी ये डिवाइस का नेम एग्जैक्टली, जो डिवाइस आप यूज करने जा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट से यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लिनक्स में यूज करते हो, ये डिवाइस का रूट मींस जो बेस होता है ना, कि कहाँ से मशीन स्टार्ट होगी, मशीन का वो नेम हो जाता है, तो उसके लिए ये यूज होता है। कर्नल आईडी इज अ डिफॉल्ट, अभी ये डिपेंड करता है कि कर्नल आईडी कैसे यूज करना है। यू कैन से इट इज अ हार्ट ऑफ द सिस्टम, कर्नल क्या होता है, हार्ट ऑफ द सिस्टम होता है, तो हम डिफॉल्ट ही ले रहे हैं। रैम डिस्क आईडी, ये भी अगर आपने क्रिएट किया तो ठीक है, नहीं तो हम डिफॉल्ट ले लेंगे। अब यहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा, वॉल्यूम टाइप कैसा है, रूट, जैसे कि आप रूट यूजर हैं, डिवाइस नेम डेव SDA, ये जो दिख रहा है आपको, स्नैपशॉट, ये हमारा स्नैपशॉट आईडी, आपने जो स्नैपशॉट बनाया था ना, देखो वो उसका आईडी है ये। साइज कितना, 1 है। वॉल्यूम टाइप कैसा है, जनरल पर्पज है, जनरल पर्पज से चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। आईओ पे ये स्पीड उसकी डिपेंड करती है, कितना ले रहे हो आप। देन कोई नया वॉल्यूम ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो, बट अभी हम सिंगल एक क्रिएट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये कह रहा है कि योर क्रिएट इमेज ऑफ AVS स्नैपशॉट आपका क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। वॉल्यूम पेंडिंग इमेज क्लोज। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो एक इमेज क्रिएट करेगा हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं इमेज क्रिएट हुआ AMI में कि नहीं हुआ। नाउ ये देखो अवेलेबल्स है, अभी तक ये नहीं था, हाँ अभी अवेलेबल्स है। अब सबसे मेन चीज ये देखो, अब यहाँ पे एक लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज नाउ इट इज योर AMI, ये आपका एक AMI हो गया, जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, सब कुछ सेट किया है। अगर हम यहाँ पे लॉन्च में जाते देखो तो हमें वही ऑप्शन मिलेगा जैसे कि आप EC2 में जाते हो। अभी AMI का नाम क्या, SS इमेज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप जब लॉन्च पे जाओगे, देख रहे हो, तो ये आपको दे रहा है, ये देखा मेमोरी साइज आपने क्या लिया था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो ये चीज कि आप खुद का एक AMI बना सकते हो और वो वहां से रन कर सकते हो, तो रिमूव एंड लॉन्च कर सकते हैं, बट हम ये करना नहीं बिकॉज यू पीपल्स नो कि हम कैसे ये लॉन्च करते हैं इसमें, ठीक है ना। और अब अगर मैं जाता हूं सर्विसेज, एक स्टेप बैक, EC2 इमेज बिल्डर, ये देख रहे इमेज बिल्डर्स हैं, एक्शंस,
अभी यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिलीट का कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में है कि AMI कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे अब ये प्रोसेस अपोजिट करना है कि अब ये सब डिलीट करना है, अच्छा लॉन्च तो समझ में आता है ना कैसे करोगे आप लोग, वो तो कर लोगे अभी, राइट। अब आप ये जब सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से ऐसा मॉडिफाई इमेज परमिशंस, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ी चीज में ये बता दे रहा हूँ। अब दिस इज अ प्राइवेट एंड पब्लिक, बट ये आपने बनाया है अभी, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू प्राइवेट। ये चीज अगर आप पब्लिक करना चाहो तो इसे पब्लिक भी कर सकते हो, बट और किसी AWS अकाउंट नंबर में, जैसे कि स्नेहा का है, आप श्रुति को देना चाहते हो तो उसको भी यहाँ पे ऐड करके परमिशन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, ऐड क्रिएट वॉल्यूम परमिशन टू द फॉलोइंग एसोसिएटेड स्नैपशॉट व्हेन क्रिएटिंग परमिशन, कौन सा स्नैपशॉट, ये जो आपने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे दे सकते हो आप किसी भी AWS अकाउंट नंबर को। अगर आप इसको पब्लिक कर रहे हो तो फॉर पब्लिक के लिए जब आप सेव करोगे तो मे भी यहाँ पे जो रूल्स हैं इसके, कि ये किस टाइप का जो सिस्टम्स जनरेट करते हैं AWS, तो उनके लिए बहुत से रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो करेंगे, कि पब्लिक करने का मीन्स है कि जितने भी यूजर्स EC2 मतलब यहाँ पे लॉग इन करेंगे, दे कैन व्यू योर SS इमेज, ओके। पब्लिक का मीन्स यूनिवर्सल हो जाएगा फिर, तो ये हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं। पब्लिक का ये प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हो, चलो आपने पब्लिक किया, बट ये फिर क्या होता है, इसके अंदर बहुत से रूल्स होते हैं, वो सब ये करने के बाद आपका सेव कर देगा, तो बट ये सबको व्यू होगा फिर, ठीक है। तो ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट का मीन्स कहाँ से, एक्शंस में जाके आप इसको मॉडिफाई इमेज परमिशंस में कर सकते हो। मॉडिफाई बूट वॉल्यूम सेटिंग, जो आपकी वॉल्यूम की सेटिंग्स है वो भी आप चेंज कर सकते हो, बट वो सब ऑप्शंस लेने के बाद करना पड़ेगा आपको, करने के लिए यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। परमिशंस यहाँ से भी आप कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, जो परमिशंस मैंने यहाँ से राइट क्लिक ऑप्शन पे दिया था, क्लिक ऑप्शंस में यहाँ से भी दे सकते हो, वो चीज़ आप AWS अकाउंट में भी दे सकते हो। टैग का मीन्स ये है कि आप एडिट टैग कर सकते हो, सपोज इट मल्टीपल चीज़ें आ गई यहाँ पे, ये जो नेम आपको ये ब्लैंक दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे नेम भी दे सकते हो, तो ये नेम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कि अगर आपको यहाँ पे नेम भी देना है, यू कैन गिव इट द नेम, बट वो कैसा है, यहाँ से ऐड करने के बाद आप कर सकते हो ऐड की टैग। अब चीजें आती हैं, ये डिलीट कैसे करेंगे हम, यहाँ तक कुछ डाउट, कि सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोज आर MS Paint, बता देता हूँ चीजें एक बार। फ्लो क्या है, हमारे पास 3 पार्ट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ पे स्नैपशॉट है, और यहाँ पे AMI है, ठीक है, 3 things है। तो फर्स्ट आप जब जाओगे, ये भी ब्लैंक है, ये पार्ट भी ब्लैंक है, ये पार्ट ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, फॉर फर्स्ट टाइम ये भी ब्लैंक है, तो हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया, फर्स्ट हमने क्रिएट किया वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि ये एक समझो रिविजन टाइप का है, क्रिएट किया, जो वॉल्यूम क्रिएट किया उसी के एक्शंस के ऑप्शंस में जाके हमने क्या क्रिएट किया, स्नैपशॉट, यहाँ से क्रिएट किया स्नैपशॉट, ओके। जब ये स्नैपशॉट हमने यहाँ से क्रिएट किया, ये स्नैपशॉट यहाँ पे रिफर हो गया, अब ये ब्लैंक नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, स्नैपशॉट यहाँ पे आ गया। अब ये जो स्नैपशॉट आया, तो यहाँ से हमने क्या किया, इमेज क्रिएट किया, ठीक है, इमेज क्रिएट किया, अभी ये ब्लैंक था और ये इमेज यहाँ रिफर हो गया, तो अभी ये ब्लैंक नहीं रहा, और ये जो इमेज हमारा बना, ये हमारा क्या हो गया, एक AMI, ठीक है। ये फ्लो है, दिस इज अ फ्लो। यहाँ पे कुछ डाउट ऐसा, अभी जब हम डिलीट करेंगे तो डिलीट का भी ऑप्शंस क्या है, कि अगर आप पहले वॉल्यूम चाहो डिलीट करना तो बेटर है, वॉल्यूम से एसोसिएटेड क्या है, एक स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट से एसोसिएटेड क्या AMI है, तो जब आप डिलीट करो, अपोजिट ट्राई करोगे तो डिलीट हो सकता है, बट बेटर है सबसे पहले आप ये डिलीट करो, देन स्नैपशॉट डिलीट करो, देन आप वॉल्यूम डिलीट करो, ठीक है। अब हम डिलीट करने के प्रोसेस पे आते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। अच्छा, कुछ डाउट अभी यहाँ तक, ओके, ठीक है, डाउट रहेगा तो भी पूछ लेना आप लोग, कैसे डिलीट करते हैं।
सबसे पहले हम इमेज पे आते हैं। इमेज पे अगर हमने ये सिलेक्ट किया है, देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है लॉन्च ईसी टू इमेज। अब एक्शन में भी जाते हैं तो ऐसा डिलीट जैसा ऑप्शन दिख रहा है कहीं? स्टॉप रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट स्टॉप करेगा, डिलीट नहीं करेगा। इसको हम क्या करते हैं, डी रजिस्टर करते हैं। हाँ ठीक है, जैसे रजिस्टर न्यू एएमआई है तो सेम वैसे हम क्या करते हैं, इसको डी रजिस्टर करते हैं। बिकॉज ये रजिस्टर हो गया ना कहीं आपने क्रिएट किया है, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू किया तो डिलीट हो गया, क्योंकि डिलीट जैसा ऑप्शन नहीं है, वहां पे डी रजिस्टर करना है। तो अगर अब हम स्नैपशॉट में आते हैं, स्नैपशॉट तो हमारा रहेगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम भी रहेगा एक, क्योंकि अभी अब तक हमने इमेज डिलीट किया है। आप स्नैपशॉट पे जाते हैं, इसको हम एक ही है, सिंगल है, दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। एक्शंस में जाते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर डिलीट मिल रहा है, यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे इसको, यस डिलीट। ठीक है, ये भी अब डिलीट हो गया। अब हम वॉल्यूम्स में जाते हैं, एक्शंस में जाते हैं, अब यहाँ पे भी डिलीट वॉल्यूम, क्योंकि हम अगर पहले वॉल्यूम को डिलीट करना चाहते हैं, स्नैपशॉट को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें वो मैसेज देता है कि वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक स्नैपशॉट में तो देते ही देता है कि वो एक एमआई के साथ में अटैच है, तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी जैसे आपने जब लॉग इन किया था, लॉग इन के बाद आपने वॉल्यूम पे गए थे, तो सेम ऐसे स्क्रीन था, कोई भी हमारे क्रिएटेड नहीं था। स्नैपशॉट पे गए थे, ब्लैंक था। एएमआई पे गए थे, टोटली ब्लैंक। अभी सेम हमारा वैसे हो गया। तो बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें, कि एक्शंस में हमें डिलीट नहीं मिलता है, ठीक है, डी रजिस्टर करना पड़ता है बस।